हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ घर पे टब वाले साबुन किस प्रकार से बनाते हैं। टब वाले साबुन बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, मैं इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। चलो दोस्तों, करते हैं हमारा वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, हमें साबुन बनाने के लिए हमें कास्टिक सोडा की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता, मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से जाकर भी आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, हमें दो टब की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके अंदर हम साबुन को जमानी है, और एक बाल्टी की आवश्यकता पड़ेगी, एक छोटी बाल्टी की भी आवश्यकता पड़ेगी। फिर दोस्तों, हमें वनस्पति घी और कुछ मात्रा में आटे की भी आवश्यकता पड़ेगी। फिर दोस्तों, अगले स्टेप में हम एक बाल्टी लेंगे, जिसके अंदर दोस्तों हम बोतल की सहायता से 2 लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, मैंने बोतल की सहायता से इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है, जो कि आप वीडियो में अच्छी प्रकार से देख सकते हो। फिर दोस्तों, अगले स्टेप में हम इसके अंदर 250 ग्राम कास्टिक सोडा यूज लेंगे। आपको दोस्तों 250 ग्राम कास्टिक सोडा ही यूज लेना, इससे ज़्यादा नहीं। फिर दोस्तों, हम डंडे की सहायता से अच्छी प्रकार से मिला लेंगे। हम जब तक मिलेंगे, जब तक हमारे कास्टिक सोडा अच्छी प्रकार से मिलने जाए। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, हमारा कास्टिक सोडा अच्छी प्रकार से मिल चुका है। फिर दोस्तों, हम अगले स्टेप में हम एक छोटी बाल्टी लेंगे, जिसके अंदर दोस्तों हम बोतल की सहायता से 1 लीटर पानी और ऐड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, हम प्लेट की सहायता से कुछ मात्रा हम इसके अंदर आटा ऐड करेंगे, और डंडे की सहायता से अच्छे प्रकार से मिलाएंगे। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, हम आटे के घोल और पानी को अच्छे प्रकार से मिला लेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट के जरिए आप बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। फिर दोस्तों, हम अगले स्टेप में हम इसके अंदर वनस्पति घी ऐड करेंगे। सर्दियों का मौसम होने के कारण हमारा वनस्पति घी फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गया, इस कारण से हमारा वनस्पति घी और आटा का घोल जम गया। अब दोस्तों, इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए दोस्तों, हम इस आटे के घोल और वनस्पति घी को हम किसी पात्र में लेकर गर्म करेंगे, ताकि हमारा पेस्ट अच्छी प्रकार से फिर से तैयार हो सके। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा पेस्ट जम चुका है। अब दोस्तों, हम अगले स्टेप में हमारा पेस्ट जो हमें गर्म किया था, वो हम कास्टिक सोडे वाला पेस्ट के अंदर कास्टिक सोडे की लई में डाल देंगे। कुछ इस प्रकार से मैंने वो हमारा पेस्ट कास्टिक सोडे की लई में डाल दिया है, और डंडे की सहायता से दोस्तों हम अच्छी प्रकार से मिला लेंगे, जो कि आप वीडियो में दोस्तों अच्छी प्रकार से देख सकते हो। दोस्तों, मैं पेस्ट को मिलाने के लिए ड्रिल मशीन का सहारा भी ले रहा हूँ। आप भी चाहो तो ड्रिल मशीन का सहारा लेकर भी पेस्ट को तैयार कर सकते हो, ताकि आपको पेस्ट को मिलाने में बहुत ही आसानी हो। देख लीजिए दोस्तों, मैंने पेस्ट बहुत ही अच्छी प्रकार से मिला लिया है। देख लीजिए दोस्तों, हमारा पेस्ट बहुत ही अच्छी प्रकार से तैयार हो रहा है। देख लीजिए दोस्तों, हमारा पेस्ट बहुत ही अच्छे प्रकार से मिल चुका है। अब दोस्तों, हम अगले स्टेप में हमारे ये पेस्ट टब के अंदर डाल देंगे, ताकि हमारी साबुन अच्छे प्रकार से जम सके। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, मैंने अपना पेस्ट इस टब के अंदर डाल दिया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कमेंट के जरिए बताना दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार कैसा लगा। फिर दोस्तों, एक दिन बाद हमारे साबुन कुछ इस प्रकार से जमकर तैयार हो जाएगी। देख लीजिए दोस्तों, हमारे साबुन बहुत ही बढ़िया तरीके से जम चुकी है। देख लीजिए दोस्तों, हमारे साबुन बहुत ही बढ़िया तरीके से जम चुकी है। देख लीजिए दोस्तों,
दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।